एम को लेकर, बांग को लेकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक सर्वदलीय जो कमेटी का गठन किया कि इसके बारे में सरकार को राय दें कि ये जो है भांग की खेती को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए किस तरह से स्टेट के फायदे हो सकते हैं, तो इस सर्वदलीय जो हमारी कमेटी है जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के मेंबर्स हैं हमारे माननीय सदस्य, और उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे हिमाचल के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया, और इसमें जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हमने जो है बैठकें की, उनके सुझाव भी लिए हैं। साथ में पड़ोसी राज्य जो हमारा उत्तराखंड है जहाँ पर बांग की खेती के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, परमिशन भी दिया हुआ है, और साथ में मध्य प्रदेश में भी यही है, तो सारे जगह से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। यूनिवर्सिटी से भी हमने कॉन्टैक्ट किया है, जैसे हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज बना रहे हैं, अब बाहर के जो फर्म्स हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि हिमाचल में जो है अपना सेटअप जो है इसका मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल के लिए करना चाहते हैं भांग की खेती के साथ, तो उनके सुझाव भी है कि आके जो है जो वो कार्य कर रहे हैं किस किस्म का वहाँ पर है उसको देखने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। बाहर में स्टेट से बाहर भी बुलाया है हमारे इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर के लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे ही देखते हैं। अभी तो विचार हो रहा है, अभी हमने अपने प्रदेश में अपने हिमाचल में ही अभी दो तीन डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, पहले उनकी भी राय ले लेते हैं।